नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, यह हमें बताना है। तो हम यह मान लेते हैं कि जो वर्ग की भुजा है उसको हमने मान लिया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वर्ग की भुजा थी 10 सेंटीमीटर और जब हमने वृद्धि कर दी 20% की तो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। क्योंकि 10 का 20% होता है 2, तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी वृद्धि करने पर, और पहले थी 10। तो इस हिसाब से अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालें तो यह होगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर इस हिसाब से निकालें हम क्षेत्रफल तो यह होगा 12 का स्क्वायर यानी 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां हम देखें कि पहले एरिया 100 था, अब नया एरिया कितना हो गया, 144, यानी कितने की वृद्धि हुई, 44 की। कितने में हुई, 100 में हुई, गुणा कर देंगे 100 और प्रतिशत लगा देंगे, यहाँ 100 से 100 कट जाएगा, आंसर आएगा 44%। ठीक है, तो यदि किसी वर्ग की भुजा में हम 20% की वृद्धि करते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन आएगा, उसका क्षेत्रफल 44% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक सूत्र भी होता है, प्लस माइनस R1 प्लस माइनस R2 प्लस माइनस R1 गुणा R2 भागे 100। ठीक है, तो जब वृद्धि होती है तो प्लस लगाते हैं और कमी होती है तो माइनस लगाते हैं। अब वर्ग का क्षेत्रफल है तो इसका सूत्र होता है भुजा गुणा भुजा, और भुजा में हो रही है 20% की वृद्धि, तो R1 की जगह भी हम रखेंगे प्लस 20 और R2 की जगह भी रखेंगे प्लस 20, यहाँ प्लस लगा के 20 गुणा 20 भागे 100, 0000, 20 और 20 मिला के हो जाएगा 40 और यहाँ 2 × 4, तो 40 और 4 44, कितनी वृद्धि हो जाएगी, यहाँ भी 44% की वृद्धि आ रही है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हम इस विधि से भी लगा के देख सकते हैं, ये बेस मेथड है और यह हमारी एक परीक्षा में लगाने वाली मेथड है, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा के हिसाब से एक वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको दोनों तरीके से लगा के देख लेना है और सूत्र को तो जरूर याद रखना है, यह कई जगह आपको काम आएगा, यह आयत में भी काम आया था, वर्ग में भी काम आया और आगे भी कई जगह काम आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।